विधानसभा की नापक्ष लॉबी में हुई भाजपा विधायक दल की बैठक, अब इसी को लेकर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनते हैं। नहीं, ये तो मुख्यमंत्री जी का डिफेंसिव बयान है अपने आप के लोगों को बचाने का, सरकार को बचाने का। बाकी इसमें तो ऐसा लगता है मुख्यमंत्री जी के बयान से कि वो खुद आशंकित हैं कि इस पर सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर सीबीआई जांच नहीं होती तो लगातार जारी रहेगा? बिल्कुल, हमारी लड़ाई सीबीआई की जांच तक रहेगी। खुद के ऊपर भी एक हमला हुआ? मेरे ऊपर जो हमला हुआ उस पर पार्टी के विधायक दल ने निंदा प्रस्ताव पारित किया है और विधायक दल को तय करना है। पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता लोग हैं, वो तय करेंगे कि उसके आगे क्या करना है, क्योंकि घटना मेरे साथ घटित हुई, मैंने पूरी बयान की है। उसके बाद पार्टी को तय करना है कि उसमें क्या करना है, पार्टी तय करेगी। राजस्थान में बैठक जो हुई उसमें ये बताया गया है कि जब तक सरकार की तरफ से दोषियों की गिरफ्तारी नहीं हुई जाती, ठोस कार्रवाई नहीं हुई जाती और सदन में माफ़ी नहीं मांगी जाती, तब तक इस मुद्दे पर भी आपके साथ जो मैंने कहा ना कि जब तक, हाँ कार्रवाई तो स्वाभाविक बात है कि कार्रवाई होनी चाहिए और उस पर आगे क्या करेगी पार्टी तय करेगी। सरकार को, पुलिस को तय करना है कि उसमें क्या एक्शन लेती है। लेकिन ये सबने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है, विधायक पर हमला और विधायक के साथ साथ मुख्य विपक्षी पार्टी के अध्यक्ष पर हमला, ये कोई सामान्य बात नहीं। पार्टी के विधायक दल ने इसको गंभीरता से लिया। जी, इसी से जुड़ा सवाल है, आज कांग्रेस भी हर जिला मुख्यालय पर आपका और प्रधानमंत्री का पुतला फूंकी है, आपके उस बयान के लोग? देखिए, मैं तो नहीं मानता कि केवल बयान एक उसका कारण है, और बयान भी इस तरीके का बयान नहीं था, सामान्य बोलचाल का बयान था। लेकिन कांग्रेस मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए और अपने दोष को और पाप को छुपाने के लिए ये कर रही है, ये जरूर समझ में आता है। पुनिया जी, चिंतन बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि रिपीट कराना ही उनकी प्राथमिकता और सपना है, और उन्होंने कहा कि विधायक अगर सही तरीके से काम नहीं करेंगे तो सरकार रिपीट नहीं हो पाएगी। अशोक जी की सरकार आज तक रिपीट नहीं हुई है, इसलिए उनका जो सपना है वो सपना ही रहेगा। आप लोग इस सपने को तोड़ेंगे? बिल्कुल, 100% तोड़ेंगे।